हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। ये चैनल पे हम ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस में वीडियो पब्लिश करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है इन्फॉर्मेशन अबाउट नी लिगामेंट इंजरीज। तो आइए डिस्कस करते हैं मेरे साथ इन्फॉर्मेशन अबाउट नी लिगामेंट्स। हमारे नी जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली चार लिगामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट, दूसरा है PCL यानी कि पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट, तीसरा है MCL मिडल कोलेटरल लिगामेंट, और चौथा है LCL लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि आप ये वीडियो में देख सकते हो। ACL एंड PCL यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट जॉइंट को आगे पीछे की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और MCL और LCL दोनों साइड में होते हैं जो साइड टू साइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये लिगामेंट इंजरी कैसे होती है और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ये लिगामेंट इंजरी कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, लिगामेंट इंजरीज के कारण क्या है, उसके दो रीज़न सबसे ज़्यादा हमारे कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है स्पोर्ट्स इंजरीज। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको, या फिर जो कभी कभी वीकेंड्स में खेलते हैं जिसको हम वीकेंड वॉरियर्स भी कहते हैं, उनको ये इंजरी ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण है रोड एक्सीडेंट्स, टू व्हीलर्स पे से गिर जाना। हमारे कंट्रीज में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण काफ़ी एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों रीज़न से हमारे घुटने में इंजरीज देखने को मिलती है। लेकिन ये इंजरीज सभी लोगों को गिरने के बाद नहीं होती, तो किन को देखने को मिलती है? जब हमारा पांव यानी कि फुट फ्लोर के साथ फिक्स हो जाए और उसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी रोटेट हो जाए, यानी कि ट्विस्टिंग नी इंजरी हो, तब लिगामेंट इंजरी देखने को मिलती है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा लैंडिंग होता है, जैसे कि वॉलीबॉल में स्मैश मारने के बाद लैंड करना, बैडमिंटन में लैंडिंग करना, फुटबॉल में जहाँ दूसरे खिलाड़ी की किक हमको लग सकती है, उसमें नी की जब ज़्यादा एक्सेसिव ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो लिगामेंट इंजरीज देखने को मिलती है। ये जो लिगामेंट होते हैं एक इलास्टिक बैंड जैसे होते हैं, रबर बैंड जैसे, जिसको आप पुल करो तो वो पुल होंगे लेकिन वापस अपनी पोजीशन में भी वो आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो पुल हो गए, जैसे रबर बैंड को आपने ज़्यादा खींचा तो एक पॉइंट पे आगे वो टूट जाएगा, वैसे ही लिगामेंट को अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींचने को मिला या फिर नी ट्विस्ट हो गया तो एक पॉइंट पे आगे वो ब्रेक हो जाएगा, और उसी कंडीशन को हम लिगामेंट इंजरी कहते हैं। तो लिगामेंट इंजरी होने के बाद सिम्टम्स क्या होते हैं? तो लिगामेंट इंजरी होने के बाद हम सिम्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इमीडिएट और एक लेट। इमीडिएट इंजरी के बाद आपके घुटने में सडनली स्वेलिंग आ जाती है, पांव का बैलेंस छटक जाता है, ऐसा लगता है कि चलते चलते हम गिर जाएंगे, पांव का बैलेंस नहीं रहता, पांव में से कभी स्नैप आवाज़ भी आती है और चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये फेज तकरीबन इंजरी के बाद 3 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद लेट फेज शुरू होता है, क्योंकि पहले 3 हफ्ते काफ़ी इन्फ्लामेशन घुटने में रहता है। उसके बाद अगर किसी मरीज को ज़्यादा अनइवन सरफेस पे चलना हुआ या वापस स्पोर्ट्स खेलना हुआ, तो उनकी मेन कंप्लेंट रहती है कि मेरा पांव का बैलेंस नहीं रहता, चलते चलते पांव छटक जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लंबा चल नहीं सकते। उन लोगों में ज़्यादातर पेन नहीं रहता, लेकिन मेन कंप्लेंट होती है जिसको हम कहते हैं इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी यानी पांव का बैलेंस नहीं रहना। तो अगर आपको भी कभी इंजरी हुई हो या किसी मरीज को गिरने के बाद ये सिम्टम शुरू हुए, जैसे कि पाँव में चलने के टाइम कॉन्फिडेंस नहीं रहना, इनस्टेबिलिटी रहती है, तो आपको आपके नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो क्लिनिकली एग्जामिन करके आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। अगर ACL या फिर PCL लिगामेंट इंजरी है तो वो आगे पीछे की इनस्टेबिलिटी मालूम पड़ेगी, जो कि आप ये वीडियो में देख सकते हो। लेकिन MCL या फिर LCL जो कि साइड के लिगामेंट है वो इंजर्ड है, तो साइड टू साइड इंस्टेबिलिटी पता चलेगी। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आइडिया तो लगता है कि लिगामेंट इंजरी है, लेकिन उसको अगर हम कंफर्म कैसे करें, तो उसका 100% कंफर्मेशन MRI से मिलता है। तो MRI करवाना बहुत आवश्यक है। MRI में हमको पता चलता है कि लिगामेंट इंजरी के साथ साथ और सारे स्ट्रक्चर्स जो घुटने में होते हैं, जैसे कि गद्दी, कुशन, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मेनिस्कस कहते हैं, जो दो हड्डी के बीच में कुशनिंग का काम करती है, वो इंजर्ड हुआ है कि नहीं वो भी पता चलता है। हड्डी के ऊपर एक स्मूथ लेयर होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो इंजर्ड हुआ है कि नहीं वो भी पता चलता है। लिगामेंट इंजरी की ट्रीटमेंट उसके ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन से ग्रेड की इंजरी हुई है, Grade 1, 2 या 3। तो MRI में हमको पता चलता है कि लिगामेंट की इंजरी कितने ग्रेड की है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि लिगामेंट इंजरीज की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी,
और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें।